हेलो फ्रेंड्स, आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल के अंदर इंजीनियरिंग मोड कैसे ऑन कर सकते हो, जो क्या काम में आता है। तो वो आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मोड क्या होता है। तो इंजीनियरिंग मोड, अगर आपका डिवाइस पुराना कोई भी आप परचेस करते हो तो उसमें टच सही से चल रहा है, LED सही से चल रही है, वो सारी चीज़ आप टेस्ट कर सकते हो उस इंजीनियरिंग मोड के अंदर। अगर आपका फ़ोन अगर कहीं गलती से नीचे गिर जाता है तो आप इस चीज़ से भी टेस्ट कर सकते हो कि आपका टच सही से चल रहा है, आपके सेंसर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ आप इंजीनियरिंग मोड के अंदर देख सकते हो। तो वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ मेरे मोबाइल के अंदर। तो चलिए गाइस देखते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन के अंदर। तो गाइस, अगर आपको इंजीनियरिंग मोड ऑन करना है तो आपको डायल करना है *#899#। तो इंजीनियरिंग मोड ऑन हो जाएगा। तो सपोज आपको टच स्क्रीन का टेस्ट करना है तो आप मैनुअल में जाइए, फिर स्क्रीन यूनिट पे क्लिक कीजिए। तो अब यहाँ पे कलर कोड टेस्ट कर सकते हो, RGB जो हम बोलते हैं। फिर अगर आपको वाइब्रेशन, टच स्क्रीन, सपोज़ आपको देखनी है कि भाई मेरे टच स्क्रीन में कोई भी कहीं पे क्रैक नहीं है ना, तो वो टच वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हो मैन्युअली ड्रॉ करके। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब हमने स्क्रीन टेस्ट देख लिया, फिर टच स्क्रीन का अगर आपको मैनुअल नहीं देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। फिर आप कैमरे का भी टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि सपोज मैं फ्लैश लाइट का टेस्ट करता हूँ तो आप यहाँ से फ्लैश लाइट ऑन करोगे तो वो बैक साइड स्टार्ट होगी। और अगर आपको डिस्चार्ज अगर टेस्ट करना है तो आप असेंबली टेस्ट प्रोजेक्ट में जाके सपोज मैनुअल टेस्ट में जाना है, फिर असेंबली टेस्ट, चार्ज एंड डिस्चार्ज में जाके अगर सपोज आपका चार्जिंग मोड ऑन है तो आप यहाँ से देख सकते हो, और डिस्चार्ज मोड देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इंजीनियरिंग मोड के अंदर देख सकते हो। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।